नमस्कार दोस्तों, ये है मेरा आज का पहला वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। मैं बना रहा हूँ हरमन गार्डन, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR7070। इसके अंदर नो साउंड का फॉल्ट था दोस्तों, और ये जो सर्किट बनाई है कंपनी ने, जितने भी ये सिल्वर कैपेसिटर हैं आप देख सकते हैं वीडियो में, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये कैपेसिटर जितने भी यहाँ पे देखो ब्लैक डॉट्स हैं, जितने भी ये ब्लैक डॉट्स वाले आपको दिखेंगे, इसको आँख बंद करके पहले आपको रिप्लेस करना है, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो। ये HDMI सेक्शन में यूज़ किया है, पावर सप्लाई में है, जो कि कुछ अच्छे हैं कुछ ख़राब हैं, यानी रस्ट पकड़े हुए हैं, ब्लैक डॉटेड्स हैं। इन्हें आँख बंद करके आप पहले बंद कीजिए, चेंज कीजिए। और मैंने यहाँ पे देखिए फ्रंट लेफ्ट राइट सेंटर सराउंड लेफ्ट राइट, इसको उखाड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से इसका जो PCB है प्रिंट है ये उखड़ गया। इसको अभी हम चेंज करेंगे, दो पहले ऑलरेडी चेंज किया हुआ है हमने, तीन और चेंज करेंगे और आपका जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसके जो है तीनों कैपेसिटर्स चेंज कर दिए हैं, सेंटर सराउंड लेफ्ट सराउंड राइट। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, ऑन करेंगे और गाना सुनेंगे। हमने FM मोड पे रखा है इसको। जो है आपका फ्रंट राइट फ्रंट लेफ्ट सराउंड, सराउंड में थोड़ी म्यूजिक कम आती है बिकॉज डॉल्बी पे है ये सराउंड राइट, और ये जो है सेंटर। अब ये रेडी फॉर डिलीवरी है सर, अब ये कस्टमर के पास जाने के लिए तैयार है। इसकी फिटिंग चालू है और अब हम इसको पैक करेंगे। अब ये पूरी तरीके से रेडी है। अब ये कस्टमर के पास जाएगा। हमारे पास यमहा हरमन गार्डन ऑनकियो सभी तरह के एम्पलीफायर रिपेयर होते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। जो जो फॉल्ट होंगे उसके हम वीडियोस बनाकर आपको दे दिया करेंगे, आप उसको देख लीजिए। मिलते हैं आगे वीडियो अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।